उच्च शिक्षा विभाग के शासन द्वारा निर्धारित किए गए वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य एक कार्य योजना की बैठक दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आहूत की गई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अश्वनी मिश्रा, कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह तथा वृक्षारोपण के नोडल अधिकारी व राजकीय महाविद्यालय सजनवा के प्राचार्य डॉ. कुमुद त्रिपाठी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य मौजूद रहे। बैठक में शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की गई, जिसके अंतर्गत कुल 12,892 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको समय से पूरा करने की रणनीति तैयार की गई है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अश्वनी मिश्रा ने कहा, कोई जरूरत नहीं, आपके प्रयास के ऊपर है। अगर आपके पास इतना इंफ्लुएंस है, किसी को आप इतना इंफ्लुएंस कर सकते हैं कि वो अपनी जमीन ले, तो लगा लेकिन पूरा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ही बनना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक महाविद्यालय ने 4,000 पौधे लगाए, इस जनपद ने दूसरे नंबर बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई शिक्षा नहीं, किसी दूसरे विभाग ने उनको अपने इंफ्लुएंस लेके कहा आपकी जमीन में मैं पौधा लगा रहा हूँ, उन्होंने पूरी जमीन उनको दे दी। अरे अपना विभाग के तरफ से पौधा लगना है तो हम लोग जितना अधिक से अधिक जो अपने पास जमीन है दूसरे के लेकिन लगेगा तो उस शिक्षा विभाग के तरफ से, कोई मतलब अपने विभाग के तरफ से आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ आपके प्राचार्य महोदय का कि इनको की कोई घर खोज रहे हैं जहाँ लोग कार्यक्रम कर सके, कल हमारे घर नहीं करेंगे तो उसके लिए मैं एकदम आपको करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को अपने यहाँ आयोजित करें। बहुत सी बातें उसे छूट गई लेकिन अपनी बात हम तक पहुंचाई है। आप ये जमीन देखें कि उस पे कैसा वृक्ष आप लगा सकते हैं। अभियान चलाया जैसे हम लोगों ने भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, अभी हमारे पास 8 दिन और महाविद्यालय में लगाएंगे और उसको अंत तक जब तक आप महाविद्यालय में उसे घोषित करेंगे तो हमारे बहुत से जो नवीन छात्र छात्र आपका इंगेज सभी का आ गया है, 2 अगस्त तक सभी नोडल अधिकारियों का आ गया है, 2 अगस्त तक और शाला से आपको वृक्ष उठा लेना है, 2 अगस्त की डेड लॉक यानी कि कल आपको अपने ब्लॉक के वृक्ष उठा लेने हैं। अभी मैं आपको मुझे वो प्रोफार्मा भर के देंगे और मैं ये आपको ये आप सबको उपलब्ध करा दूंगी, ये लेकर आप जाएंगे और आपको वृक्ष मिलेंगे। ये जनपद के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की आज यहाँ बैठक आयोजित की गई है कि उच्च शिक्षा विभाग को 9 तारीख को जो शासन द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है वन लगाने का, वृक्ष लगाने का, उसी के क्रम में बैठक आयोजित की गई है। जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग को शासन द्वारा कुल प्रदेश में 8,00,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस क्षेत्रीय कार्यालय को लगभग 84,000 वृक्ष लगाए जाने हैं। इस जनपद में को उच्च शिक्षा विभाग हेतु 12,892 वृक्ष लगाए जाने हैं, तो उस वृक्ष को कैसे लगाया जाना है, क्या रणनीति होगी, तो उसके लिए बैठक आयोजित की गई है। 9 तारीख को सारे महाविद्यालयों में वृक्ष लगाए जाएंगे, तो इसके लिए हमने एक नोडल अधिकारी जनपद के लिए बनाया हुआ डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी प्राचार्य को और उनके अंडर में 20 नोडल अधिकारी हर ब्लॉक पे हमने नियुक्त कर दिए हैं महाविद्यालय के प्राचार्य को, और वो अपने ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो भी महाविद्यालय हैं उनकी देखरेख में वो वृक्ष लगाएंगे। एक साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 बजे से वृक्षारोपण शुरू हो और 6 बजे शाम होते होते जो लक्ष्य निर्धारित है जनपद में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को 12,892 का जो लगभग लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर लें। और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो पौधे लगें उनकी जियो टैगिंग कराई जाए और जियो टैगिंग के बाद उनकी सुरक्षा पर भी संरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। तो हम लोग की कोशिश यही है कि लक्ष्य से अधिक पौधे हम लोग उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इस जनपद में लगाएँ।